बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरी चैनल ब्यूटीफुल लाइफस्टाइल पे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं फॉरएवर के 3 स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में बात करने वाली हूँ, विच आई थिंक आई एम करंटली ऑब्सेस्ड विथ। मतलब मुझे इनका रिजल्ट इतना पसंद आया है दैट थॉट ऑफ लाइक शेयरिंग इट विथ यू गाइज। तो मैं अपना पूरा टेक बताती हूँ। सबसे पहले तो इन प्रोडक्ट्स को लेने का रीज़न ये है कि पहले तो मैं रिसर्च करती हूँ, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट अपने पे यूज़ करने से पहले ऑब्वियसली आई रिसर्च, क्योंकि मेरी स्किन तो अभी फ़िलहाल सेंसिटिव हो गई है एंड एक्सट्रीमली ड्राई हो गई है। पता नहीं कोई क्लाइमेटिक कंडीशन की वजह से या वॉट एवर बी द रीज़न, बट माई स्किन हैज़ बिकम एक्सट्रीमली ड्राई। ड्राई तो थी बट नाउ इट इज़ बीन एक्सट्रीमली ड्राई एंड आंखों के नीचे तो कट्स भी आ जाते हैं, इतना ड्राई। सो पैचेस फॉर्म हो जाते हैं एंड आई हैव टू यूज़ अ वेरी हैवी मॉइस्चराइजर टू लाइक यू नो गिव दैट हाइड्रेशन बूस्ट टू माई स्किन। फॉर द पीरियड मेरी स्किन जो एक्सट्रीमली ड्राई हो गई थी उसके रिलेटेड आई वॉज सर्चिंग फॉर सम प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, ठीक है। जब मैंने रिसर्च किया तो आई केम टू नो अबाउट दिस ब्रांड फॉरएवर और मैंने इनके ऊपर पूरा स्टडी किया। इनका जो मेन इंग्रेडिएंट है एलोवेरा है और आज के जो 3 प्रोडक्ट्स मैं आपको बताने वाली हूँ ना, दीज आर एलोवेरा बेस्ड इंग्रेडिएंट के साथ, ठीक है। तो एलोवेरा मेरी स्किन पे काफ़ी अच्छा वर्क करता है। एलोवेरा जेलीज एंड एलोवेरा जेल्स आर रियली वेरी गुड फॉर माई स्किन। जैसे मैंने कहा एक्सट्रीमली ड्राई है तो एलोवेरा बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेशन एंड सूदिंग इफेक्ट देता है मेरी स्किन को। सो जब मैंने इनके एलोवेरा जेल के बारे में देखा ना, रिसर्च किया, आई केम टू नो अबाउट सम डिफरेंट प्रोडक्ट्स ऑल्सो। तो मैंने एक क्रीम भी बाई कर लिया और मैंने एक स्क्रब भी बाई कर लिया और ये तीनों प्रोडक्ट्स मैं भी यूज़ कर रही हूँ और इसका रिजल्ट फैंटेस्टिक है। सो जो 3 प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रही हूँ ना फ्रेंड्स, वो है ये 3 प्रोडक्ट्स, ओके। तो मैंने ग्रैब किए हैं और इन्हें यूज़ करके मुझे ऑलमोस्ट 1.5 मंथ्स हो गए हैं। तो मैं कंप्लीटली ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली हूँ, क्या क्या चीज़ मुझे इनके बारे में अच्छी लगी है और क्या चीज़ नहीं पसंद आई है वो भी बताऊंगी। सो लेट अस क्विकली गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं बात करूंगी इनके एलोवेरा जेली के बारे में, विच इज़ द फर्स्ट थिंग विच आई ग्रैब फ्रॉम देम इज दिस एलोवेरा जेली। नाउ इसमें मैं आपको यहाँ पे अपक्लोज दिखा देती हूँ ट्यूब कैसी लगती है। आपको ये ट्यूब मिलती है 118 ml की, ठीक है, और बहुत ही अच्छी ट्यूब है, ट्रैवल फ्रेंडली ट्यूब है। आप इसे अच्छे से कैरी भी कर सकते हो। इसके अंदर आप यहाँ पे टेक्सचर देख सकते हो फ्रेंड्स, जैसे आप स्क्वीज करते हो ना यू गेट अ क्लियर ट्रांसपेरेंट जेल। इसमें कोई भी फ्रेग्रेंस नहीं है। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि इसमें कोई फ्रेग्रेंस नहीं है एंड कंप्लीटली प्योर मिल रहा है आपको प्रोडक्ट। ट्रांसलूसेंट बेस मिल जाता है आपको और इसे आप टॉपिकल एप्लीकेशन कर सकते हो ना। ये जो एलोवेरा जेली है आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। जब भी आपको लगता है आपकी स्किन ड्राई हो गई है, अगर आपकी स्किन के ऊपर रेडनेस आ गई है, मॉस्किटो बाइट हो गया है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, कोई जब सनबर्न्स हो जाते हैं तब आप यूज़ कर सकते हो। वैक्सिंग थ्रेडिंग अगर आपने करवाई है, आपकी स्किन रेड हो गई है, तब आप इसे ठंडा करके लगा सकते हो। तो ये कुछ एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दी। इसे जस्ट बेसिकली आपको यूज़ करना है, आपको टॉपिकल एप्लीकेशन में इसे यूज़ करना है, ठीक है। अपनी स्किन की कंडीशन काफ़ी इंप्रूव होते हुए दिखी जब मैंने इसे लगाना स्टार्ट किया फ्रेंड्स। तो मैं मॉर्निंग में भी एंड एट नाइट इसे अप्लाई करती हूँ अपने फेस पे। क्विकली मैं इसके इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूँ। इसमें इंग्रेडिएंट्स आपको मिल जाता है एलोवेरा जूस एक्सट्रैक्ट, जो मैंने आपको कहा स्टेबिलाइज एलोवेरा जेल, उसके साथ थोड़ा सा वाटर डाला गया है। इसमें आपको ग्लिसरीन मिल जाता है, इसमें आपको टोकोफिरॉल मिल जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड जैसे अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स मिल जाते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट बात करती हूँ इनका सेकंड प्रोडक्ट जो मैंने लिया, दिस इज एलो प्रोपोलिस क्रीम, ओके। ये आपको मिलता है 113 ग्राम के इस ट्यूब में। आपको यहाँ पे पैकेजिंग अप क्लोज भी मैं दिखा दूंगी फ्रेंड्स। नाउ दिस इज अ वेरी गुड क्रीम। इसके अंदर आपको 2 मेजर इंग्रेडिएंट मिल जाते हैं फ्रेंड्स, दैट इज एलोवेरा एंड बी प्रोपोलिस, ओके। ये 2 इंग्रेडिएंट से बना हुआ है। इसका टेक्सचर बहुत ही अमेजिंग है, आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। इतना अमेजिंग टेक्सचर है कि 365 डेज आप इसे यूज कर सकोगे। ऑयली स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, ड्राई स्किन हो, हर स्किन टाइप पे सूटेबल है ये क्रीम। बहुत ही जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है आपकी स्किन के अंदर, बहुत ही अमेजिंग है। आप यहाँ पे इसका टेक्सचर देख सकते हो फ्रेंड्स। इट हैज़ अ वेरी रिच एंड क्रीमी टेक्सचर। रिच एंड क्रीमी टेक्सचर होने के साथ ही साथ इसके अंदर कोई भी हैवीनेस की प्रॉपर्टी नहीं है। कोई भी स्किन टाइप वाला इसे अप्लाई कर सकता है, इतना अमेजिंग है ये क्रीम फ्रेंड्स। बहुत ही लाइट वेटेड है और बहुत ही जल्दी से स्किन के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। बहुत ही सूदिंग सा क्रीम लगा है मुझे ये फ्रेंड्स बेसिकली, एंड इट विल बी सूटेबल फॉर ऑल द स्किन टाइप्स। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, कभी भी आप इसे लगाओ एज अ मॉइस्चराइजर। बीनीथ योर मेकअप भी आप इसे लगा सकते हो। मैंने अभी भी इसे लगाया है बीनीथ माई मेकअप। मेकअप स्टार्ट करने से पहले इसे अप्लाई करना मेरे लिए मैंडेटरी हो गया है। कौन से स्किन टाइप के लिए और कौन से स्किन कंसर्न्स के लिए इसे यूज़ करना चाहिए फ्रेंड्स? सी, सबसे पहले तो मैंने जैसे आपको कहा कि मेरी स्किन एक्सट्रीमली ड्राइंग थी और पैचेस फॉर्म कर रही थी। तो अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है, यू कैन गो फॉर दिस क्रीम फ्रेंड्स। बहुत ही ज़्यादा लाइक एक्जिमा जैसी प्रॉब्लम हो जाती है, फ्लेकिंग की प्रॉब्लम हो जाती है ना, तब आप इस क्रीम को यूज़ करो फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। ऑल स्किन टाइप पे सूटेबल है। अगर आपको आपकी स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, कोई भी मॉइस्चराइजर वर्क करने से स्किन के ऊपर ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, गो फॉर दिस वन, बिकॉज इसके अंदर इतने सूदिंग एफेक्टिव रिजल्ट मुझे दिखाया फ्रेंड्स। इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, मेरी है, इसलिए मैं कह रही हूँ सेंसिटिव स्किन वाला भी इसे यूज़ कर सकेगा। एज अ नाइट क्रीम मैं इसे अपने अंडर आइज में थोड़े से डॉट लगा के अप्लाई कर लेती हूँ। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो गई थी और यहाँ पे कट्स आने स्टार्ट हो गए थे फ्रेंड्स। यू वॉन्ट बिलीव दिस क्रीम हैज़ गिवन मी सच अ फैंटास्टिक रिजल्ट। ड्राइनेस, बैगीनेस, सैगीनेस जो सारी थी वो चली गई है। हाँ, एंटी एजिंग की तरफ काम नहीं करती है, बट एज अ मॉइस्चराइजर इट वर्क्स जस्ट अमेजिंग। मेजर इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए फ्रेंड्स, लेकिन इसमें विटामिन ई, विटामिन ए आपको मिल जाता है, वो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा नरिश करता है। इसके अंदर टोकोफिरॉल है, कैमोमाइल एक्सट्रैक्ट है, बीटा कैरोटीन है, कॉर्न ऑयल डाला गया है, कुछ फ्लावर का एक्सट्रैक्ट्स भी है, एस्कॉर्बिक एसिड है। ऐसे अमेजिंग इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट भी आपको यहाँ मेंशन करी है। सो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। मूविंग ऑन टू द थर्ड प्रोडक्ट इज़ द फॉरएवर एलो स्क्रब। ठीक है, तो मैंने ये एलोवेरा स्क्रब भी ले लिया। जब ये दो प्रोडक्ट्स मेरे स्किन पे बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया फ्रेंड्स। एक स्क्रब स्किन केयर रूटीन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपकी स्किन के ऊपर से डेड स्किन सेल्स को निकालना, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स को निकालने के लिए एक स्क्रब की ज़रूरत होती है। अगर आप कोई फेशियल करते हो उसमें स्क्रबिंग इज़ एन इंपॉर्टेंट फेशियल स्टेप। इट इज़ अ वेरी वेरी जेंटल स्क्रब। सबसे पहले मैं कह दूँ ये तीनों प्रोडक्ट सेंसिटिव स्किन को टारगेट किए हुए हैं, तो आप समझ सकते हो ये बहुत ही ज़्यादा माइल्ड स्क्रब है। यहाँ पर मैं इसका टेक्स्चर आपको दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। इसके टेक्स्चर में इसका एक्सक्लूसिव फॉर्मूला है ना 100% पहले तो स्टेबिलाइज एलोवेरा जेल के अंदर बना हुआ है। इसके अंदर जेंटल माइक्रोस्फीयर्स ऑफ जोजोबा ऑयल डाले गए हैं, डिजाइन टू लुब्रिकेट योर स्किन एंड टू इफेक्टिवली एक्सफोलिएट योर स्किन। ठीक है, लगाने के बाद जो इसके एक्सफोलिएटर पार्टिकल्स है ना, ये बहुत ही सॉफ्ट है। दिस इज सो माइल्ड, लाइक यू नो, ऐसा लगता है कि हम चावल के आटे से या ऐसा कुछ होता है ना उससे स्क्रब कर रहे हो, ऐसा लगेगा आपको। एकदम से DIY टाइप इफेक्ट लगा मुझे इसका। खुशबू भी बहुत ही माइल्ड है, इसमें कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं डाली गई है। एंड आई एम ओनली यूजिंग इट ऑन माई नोज एंड दिस पार्ट, ओनली दिस पार्ट। एक वीक तक आप ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को देख भी नहीं पाओगे, इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट मिलता है। आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू यूज दिस 2 times in a week। बस इतना ही, ज़्यादा नहीं यूज़ करो। इस पर लिखा हुआ है, ट्यूब पे मेंशन है कि डेली भी यूज़ कर सकते हो, बट डेली मैं उनको कहूँगी जिनकी नॉर्मल या ऑयली स्किन है, उनको मैं डेली रिकमेंड कर भी सकती हूँ। फिर भी मैं कहूँगी कि स्क्रब को हमें डेली यूज़ नहीं करना चाहिए। डू नॉट एक्सफोलिएट योर स्किन सो मच, बट आप हफ्ते में 3 से 4 बार कर सकते हो अगर आपकी स्किन नॉर्मल या ऑयली है। कॉम्बिनेशन है, तीनों ट्यूब है, बहुत ही ज़्यादा ट्रैवल फ्रेंडली है, आप यहाँ पे देख सकते हो, और आपका कंप्लीट स्किन केयर रूटीन का ध्यान रखेंगे ये तीनों प्रोडक्ट्स। तो फ्रेंड्स, ये जो तीनों प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया आज की वीडियो में फॉरएवर ब्रांड के हैं। नाउ दिस ब्रांड ना आपको आपके डीलर्स मिल जाएंगे। अगर आप कोई डीलर से प्रोडक्ट्स परचेज करते हो ना तो आपको काफ़ी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल जाते हैं। तो अगर आपको डीलर का कॉन्टैक्ट नंबर या इंस्टाग्राम पेज अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो उसका मैं दे दूंगी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिस पेज से मैंने इन्हें ऑर्डर किया है उनका नाम या नंबर मैं मेंशन कर दूंगी, इंस्टाग्राम की लिंक भी दे दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप उनसे लेते हो तो आपको ऑफर्स काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे। लेकिन ये तीनों प्रोडक्ट्स अमेजॉन पे भी अवेलेबल है, अमेजॉन की परचेज लिंक भी फ्रेंड्स में दे दूंगी। अगर आपको अमेजॉन से परचेज करना, आप अमेजॉन से भी परचेज कर सकते हो, और फॉरएवर लिविंग की अगर वेबसाइट होगी उसकी भी लिंक मैं मेंशन कर दूंगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो फ्रेंड्स, ये तीनों प्रोडक्ट्स ने मुझे एक्सीलेंट रिजल्ट दिए हैं, काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है मेरे ऊपर। लेकिन इसके बारे में एक छोटा सा ड्रॉबैक मुझे दिखा है, वो मैं भी आपको बता दूं वीडियो के अंदर। जैसे मैंने कहा कि इसके इंग्रेडिएंट लिस्ट मेंशनड है ऑन द बैक ऑफ द पैकेजिंग, तो यहाँ पे आपको इंग्रेडिएंट लिस्ट मिल जाएंगे। व्हेन आई चेक द इंग्रेडिएंट लिस्ट आई जस्ट फेल्ट कि इसके अंदर मिथाइल पैराबीन्स एंड प्रोपाइल पैराबीन्स डाले गए हैं। जैसे कि मैं बात करूँ कि फर्स्ट वाला जो मैंने आपको बताया एलोवेरा जेली, तो एलोवेरा जेली के अंदर इन्होंने डाला है मिथाइल पैराबीन, विच इज़ नॉट गुड। ये पैराबीन फ्री प्रोडक्ट होता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन बात करेंगे प्रोपोलिस क्रीम के बारे में, जो एलो प्रोपोलिस क्रीम है उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स में मैंने मिथाइल पैराबीन देखा, प्रोपाइल पैराबीन देखा एंड फ्रेग्रेंस भी देखा जो परफ्यूम लिखा हुआ है। सो वो तीन चीज़ मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट लगी उनको देख के, कि पैराबीन फ्री प्रोडक्ट अगर फॉरएवर वाले बना सके तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्रीम का रिजल्ट मुझे काफ़ी अच्छा मिला है फ्रेंड्स। मुझे जस्ट ये था कि मैं जस्ट पैराबीन फ्री एंड सल्फेट फ्री प्रोडक्ट्स ही प्रोमोट करती हूँ और यूज़ करती हूँ, तो ये बात ने मुझे थोड़ी सी निराशा दी है। एलो स्क्रब है ना, तो उसके भी इंग्रेडिएंट्स में मैंने देखा मिथाइल पैराबीन, प्रोपाइल पैराबीन एंड फ्रेग्रेंस डाली गई है, विच डिसअपॉइंटेड मी समवेयर। तो ये चीज़ खाली मुझे नहीं अच्छी लगी कि ये पैराबीन फ्री प्रोडक्ट्स नहीं है। सो दैट ऑल्सो ऑनेस्टली आई वांटेड टू टेल यू। स्किन केयर रूटीन में मैं ऑब्सेस्ड हूँ इन प्रोडक्ट्स से, क्योंकि जो मेरी स्किन केयर के कंसर्न थी ना, जो मुझे दिक्कत फेस हो रही थी ना, इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करके वो सॉर्ट आउट हो गई है। सो आई एम जस्ट निग्लेक्टिंग दैट पैराबीन फ्री वाला पॉइंट। तो यही था ऑनेस्ट, मैंने आपको बता दिया आज की वीडियो में। तो ये थी आज की वीडियो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव फाउंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। अगर हेल्पफुल लगी है तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने बाकी फ्रेंड्स के साथ, एंड येस मेक श्योर कि आप जाने से पहले कर दो सब्सक्राइब ऐसे मोर इंटरेस्टिंग और ऑनेस्ट रिव्यूज जानने के लिए प्रोडक्ट्स के रिलेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल नाउ, एंड इफ यू हैवंट स्टिल सब्सक्राइब टू माई चैनल सब्सक्राइब कर लेना, साथ में छोटी सी बेल आइकन को हिट कर लेना। मिलती हूँ सुपर सुन अपने अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखना और हमेशा हंसते रहना।